हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग विजय महार की तरह परफेक्टली कटआउट कैसे कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने PSEC एप्लीकेशन में आ जाना है, और जिन लोगों के मोबाइल में ये वर्क नहीं कर रहा है उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो अभी जिस भी पिक का आप लोग को कटआउट करना है उसको फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं गाइज हम लोग का इम्पोर्ट हो चुका है। और ये हो जाने के बाद आप लोग को साइड में ब्रश वाले ऑप्शन पर जाना है और स्क्रिबल टूल को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं कर चुका हूँ, उसके बाद आप लोग को दो पेंसिल दिखाई दे रही होगी, एक कीप का और एक रिमूव का। तो आप लोग को कीप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो भी आप लोग को ऑब्जेक्ट रखना है उस पर ड्रॉ कर देना है। और जैसे मैं कर रहा हूँ, और जो भी आप लोग को रिमूव करना है वो रिमूव वाले पेंसिल पे जाके आप लोग को अपने बैकग्राउंड पे एक बार इसे ड्रॉ कर लेना है, और जो जो पार्ट आपका रह चुका है उसे भी आप लोग को ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी ठीक उसी तरह कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइज ये हम लोग का परफेक्टली सिलेक्शन हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर एक टूल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और उसमें एक रिफाइन एज का ऑप्शन होगा, देख सकते हैं। इसको भी आप लोग को सिलेक्ट करके जो जहाँ जहाँ आप लोग का पार्ट रह चुका है हेयर के पास वहाँ पे बस आपको सिंपली एक बार इसे ड्रॉ कर देना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये गाइज बहुत ही सिंपल है, ये इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता गाइज। तो देखिए ये हो जाने के बाद आप लोग का परफेक्टली सेलेक्ट हो चुका है। तो आप लोग जितना बार करेंगे इसे वो जितना अच्छा आप लोग का सिलेक्ट होगा। तो मैं कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद आप लोग को गाइस डन कर लेना है, और डन करने के बाद फिर आप लोग को ऊपर में एक उसी ऑप्शन पे जाना है, और इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। और फिर एक्सट्रैक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को डन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। तो मैंने सेव कर लिया, और फिर बाद में आप लोग को एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाके आप लोग को सेव टू गैलरी पर जाना है और इसके फॉर्मेट को PNG करके उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये आप लोग का गैलरी में सेव हो गया होगा। उसके बाद फिर आप लोग को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाना है, और अपने कोई भी बैकग्राउंड को जिस जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लेना है, और जो आप लोग एक्सट्रैक्ट किए थे उसे इम्पोर्ट कर लेना है और रिसाइज करके आप लोग को डन कर देना है। तो देख सकते हैं गाइज इसका कितना परफेक्टली कटआउट हुआ था, जिसके कारण ये पूरा बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।